समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर विकास मार्केट स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक घंटे का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के आह्वान पर शनिवार को सपा छात्र सभा द्वारा महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई। जिला प्रभारी जगमोहन यादव के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी विकास मार्केट स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर एकत्रित हुए और सभी ने माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक घंटे का मौन व्रत रखा। इस मौके पर जिला नकुल राजावत बादल राज बंसल शिवा ठाकुर सैयद शाहिद अलवी इमरान अली भरत उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर समाजवादी छात्र जागरूकता सप्ताह अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज अंतिम दिन है, 2 अक्टूबर है, तो ऊपर से आदेश थे कि 2 अक्टूबर को हम सभी लोग गांधी जयंती मनाएं और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे बैठ कर धरना प्रदर्शन करें। यह मतलब धरना मतलब बैठे हम लोग, साथ ही साथ हमारे बीच में छात्रसभा के प्रदेश सचिव महोदय, छात्रसभा के कार्यकारी अध्यक्ष, यूथ सेक्रेटरी के सभी पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम पिछले 7 दिनों से जनपद मथुरा में चाहे साइकिल रैली के माध्यम से, चाहे कैंप लगाकर, चाहे टीचरों का शिक्षकों का सम्मान करके 7 दिन लगातार हम लोग छात्र जागरूकता अभियान को चला रहे हैं। निर्देश पर छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर मथुरा में समाजवादी छात्र सभा द्वारा गांधी जी की 152वीं जयंती पर माल्यार्पण कर दिया गया है और अभी 1 घंटे के लिए यहाँ पर मौन व्रत भी रखा जाएगा, जिससे कि हम गांधी जी की जो अहिंसा प्रणाली है उसको हम जागरूक कर सकें लोगों के लिए। ये समाजवादी छात्र सभा द्वारा जागरूक सप्ताह का आयोजन चल रहा है, इसमें आज अंतिम दिन है और यहीं पे हमारे प्रभारी श्री जगमोहन यादव जी द्वारा माल्यार्पण किया, सभी समाजवादी छात्र सभा के साथियों द्वारा माल्यार्पण किया है। बस यही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी गांधी जी के विचारों पर चल रही है और गांधी जी के विचारों पर हमेशा चलेगी।